आने वाले बिजली बिल में तीन तरह के फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आएंगे। जैसे कि विद्युत विनियामक आयोग के आदेश का हवाला देते हुए राजस्थान डिस्कॉम ने नया फरमान जारी किया है। जाने आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूज उड़ाएगा सरचार्ज, बिजली बिल में जुड़कर आएगा ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज। डिस्कॉम के ताजा फरमान पर सियासी संग्राम। अगले माह सितंबर में आने वाले आपके घर का बिजली का बिल इस बार बढ़कर आने वाला है। नए बिजली के बिल में अब फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आएगा, जिसके बाद आपके औसत बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 200 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर इस नए सरचार्ज का भार नहीं पड़ेगा। नए आदेश के मुताबिक सितंबर महीने में आने वाले बिजली के बिल में अब बेस फ्यूल सरचार्ज को 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे किया गया है। इसमें 3 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। इसमें औसत बिजली खरीद की लागत 4 रुपए 24 पैसे के हिसाब से बेस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। फ्यूल सरचार्ज के जरिए डिस्कॉम करीब 5,000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल के बकाया फ्यूल सरचार्ज के रूप में करीब 4,400 करोड़ रुपए वसूलने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। करीब 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर डाल के गई थी, उसको भी हमको पूरा करना है। बिजली कंपनियों को आर्थिक हालत पुनः ठीक करनी है, लाभ की स्थिति में उनको लाना है। चाहे काश्तकार है, चाहे उद्योगपति है, चाहे घरेलू उपभोग करने वाला हमारा उपभोक्ता है, उन सबको भी बिजली के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर संतुष्ट करना है। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज का गणित समझिए। 2022-23 के चौथे तिमाही के 1 रुपए 33 पैसे के बकाया फ्यूल सरचार्ज को भी बढ़ाया गया। 2023-24 की पहली तिमाही के बकाया 90 पैसे के फ्यूल सरचार्ज को भी बढ़ाया गया। उपभोक्ताओं पर भार को देखते हुए 13 पैसे प्रति यूनिट वसूलने के आदेश दिए गए। जब तक तिमाही के उपयोग पर कुल 2 रुपए 23 पैसे वसूली नहीं होगी, तब तक सरचार्ज रहेगा। इसमें 200 यूनिट से कम वाले उपभोक्ताओं और किसानों पर कोई भार नहीं आएगा। अब पूरे साल भर बिजली खपत के औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज निकालेंगे। ये बकाया राशि अगले 3 साल तक के बिल में समान रूप से वसूली जाएगी। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक आम जन को राहत देने की बजाय बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जेब कतरने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पिछला कार्यकाल याद दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता पे ढहाया प्रहार। पर्ची की सरकार ने पर्ची से लिया फैसला, अडानी को कर रही है उपहार। 1 सितंबर से लूट की होगी मार, प्रति यूनिट पे 57 पैसे का होगा भार। अब राजस्थान की 8 करोड़ जनता से 4,400 करोड़ रुपए लूटने की सरकार तैयारी कर चुकी है, जिसका कांग्रेस पार्टी और आम जनता विरोध करता है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को बिजली पर बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति थी सबने देखा है। किस तरह बिजली की कीमतों को इन्होंने बढ़ाया, 9 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। डिस्कॉम्स ने भले ही बिजली दर नहीं बढ़ाई हो, लेकिन सरचार्ज के रूप में जेब काटने का रास्ता खोल रखा है। अब देखना होगा बिजली कटौती की मार झेल रही जनता ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज की मार कैसे बर्दाश्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।